नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एनके सैनी और आप देख रहे हैं हेल्प एनी टाइप। आज के वीडियो में आपको ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप अगर रिचार्ज करोगे मोबाइल का आपको 50% का सीधा कैशबैक मिल जाएगा। तो काफी कमाल की यहां पर ट्रिक होने वाली है। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा पे विद पेपल, यहां पर आपको 50% का कैशबैक मिल जाएगा यदि आप मिनिमम 50 रुपए का यहां से ऑर्डर करते हो। तो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, कौन सी ट्रिक है, कैसे वर्क करना है, सारे यहां पर बताने वाला हूं। आपको यहां पर सबसे पहले पेपल का एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है, साइन अप कर लेना है पेपल पर जाकर। ये जो ट्रिक है आपके पुराने अकाउंट पर वर्क नहीं करेगी। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद वहां पर जो भी डिटेल है सारी फिलअप कर देनी है, आपको बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूं आगे की प्रोसेस, किस तरह से आपको जो है आगे का वर्क करना है, कौन से साइट पर जाना है, किस तरह से आपको जो है पेमेंट करना है। प्ले स्टोर पर आपको जाना है और यहाँ से पेपल का जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लेना है। जो आपने नई आईडी बनाई थी वहाँ पर जाकर के आपको लॉगिन कर लेना है, सिंपली लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस बता देता हूँ, पूरा वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। ये जो ऐप है मात्र 8.44 MB का है, 8 MB का है, ज़्यादा MB का भी नहीं है। तो आप इसे यूज़ करने के बाद अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो ऐप है वो इंस्टॉल हो गया है, सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऐप इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज पूछ रहा है तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर भी साइन अप करने के लिए वही मोबाइल नंबर यूज करना है जो आपने पेपल में यूज किया था। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दोगे आपको ओटीपी जो वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है ऊपर, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, नीचे आपको रेफरल कोड डाल देना है जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। इसके बाद आपको फिनिश पर टैप कर देना है। जैसे आप फिनिश पर टैप करोगे और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 50 रुपए यहाँ पर साइन अप बोनस मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो भी रिचार्ज वगैरह करना है या फिर होटल बुकिंग करना है या फिर बस का बुकिंग करना है टिकट, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं प्रीपेड रिचार्ज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक ये प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद मैं इस पर जो एरो है उस पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं टैप करता हूँ यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा कि विच मोबाइल नेटवर्क आर यू यूजिंग। यहाँ पर जो भी आपका नेटवर्क है वो डाल देना है। यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जाएगा सर्कल, जो भी स्टेट आपका है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। स्टेट डालने के बाद यहाँ से देखिए आपको ब्राउज प्लान्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ब्राउज प्लान पर जैसे ही हम टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 4G पे मैं टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं 4G पर टैप करता हूँ, टैप करने के बाद यहाँ पर जो है सारे के सारे प्लान्स मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। तो आपको जो रिचार्ज करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको बाई पर टैप कर देना है। जैसे आप बाई पर टैप कर दोगे यहाँ पर आपको कंफर्म करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से रिचार्ज करना चाहते हैं और आपकी सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको जो है टैप कर देना है यस पर। जैसे ही मैं यस पर टैप करता हूँ, यस पर टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से अगर आप यूज करते हो पेपल को तो यहाँ पर आप 50% का कैशबैक मिल जाएगा 500 रुपये तक। तो यहाँ पर मैं पेमेंट करने के लिए पेपल का यूज कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं पेपल के ऊपर यहाँ पर टैप कर देता हूँ, पेपल पर टैप करने के बाद जो आगे का पेमेंट मोड है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपने पेपल के अकाउंट पर लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन यहाँ पर मैं सक्सेसफुली कर लेता हूँ। लॉगिन जैसे ही मैं करूँगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट कुकीज़ का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पेमेंट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं पे नाउ पर टैप करता हूँ, पे नाउ पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो है CVV है मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा ओपन। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको डाल देना है आपको OTP में। इसके बाद सबमिट पर टैप कर देना है। आपका जो रिचार्ज है वो प्रोसेसिंग हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आपको जो है बता देता हूँ आगे का सारा ऑफर यहाँ पर क्या रहेगा। तो जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ से ऑर्डर आईडी, यहाँ पर ऑर्डर डिटेल जो है सारी की सारी यहाँ पर दिखाई दे गई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो गया है। 448 रुपीज वाला जो है रिचार्ज है वो कम्प्लीट हो गया है। जो कैशबैक मिलने वाला है वो 5 दिन के अंदर अंदर में मिल जाएगा। जो रिचार्ज मैंने पेपल से किया था उस पर मुझे कैशबैक मिल गया है यहाँ पर 50% का। तो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको प्रूफ बताने वाला हूँ कब मुझे जो है रिचार्ज का कैशबैक मिला था और कब मैंने रिचार्ज किया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिचार्ज करके आपको बताया था, जैसा कि वीडियो में पहले, जो रिचार्ज मैंने किया था 8 सितंबर को यहाँ पर रिचार्ज किया था दिन में 3:15 बजे। यहाँ पर जो कैशबैक है मुझे मिल गया है, बताऊँ यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 228 रुपये यहाँ पर जो है मुझे कैशबैक वाउचर के रूप में मिल चुका है, जो कि मिला है 11 सितंबर को। ये जो वाउचर है मैं 14 नवंबर तक यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो कैशबैक है मुझे 50% मिल गया है पेपल की ओर से। तो काफ़ी
कमाल का जो है ऑफर निकल के आ रहा है पेपल की ओर से, आप चाहें तो वहां से रिचार्ज कर सकते हैं। आपको और भी कमाल कमाल के ऑफर वहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। अपना जो वाउचर है आपको पेपल के ऐप में आने के बाद यहाँ पर राइट साइड में नीचे ऑप्शन दिखाई दे जाएगा सी ओवर्स में, इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसी तरह से आपको वो वाउचर मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जैसे ही आप टीएनसी में जाओगे यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम ऑर्डर जरूरी नहीं है इस वाउचर को यूज करने के लिए, पर जैसे कि लिखा हुआ है नो मिनिमम स्पेंड इज रिक्वायर्ड। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आप जानना चाहते हैं पेपल पर जो वाउचर आपको मिला है उसको बैंक में किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो वाउचर कैशबैक आपको मिला है उसे आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाओगे। मैंने आपको यहाँ पर जो है रिचार्ज करके बता दिया है, उस पर जो वाउचर मिला है उसका भी आपको प्रूफ बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसे कमाल के ऑफर्स और ट्रिक वगैरह जानने के लिए, प्रोमो कोड जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।